हेलो माय ब्यूटीफुल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे घर पे ही मेरी आईब्रोज को शेव करती हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मेरी आईब्रोज को शेव करती हूँ। आप भी चाहे घर पे ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं एक वेट वाइप्स लेके मेरे आईब्रोज की जो एरियाज है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी, चाहे कोई भी ऑयली क्रीम या फिर कोई भी ऑयली चीज़ ना रहे। देन एक स्पूली लेकर मैं आईब्रोज को कॉम करूँगी। यहाँ पर मैं आईब्रोज को अपवर्ड्स कॉम करूँगी क्योंकि मैं पहले आईब्रोज के जो लोअर एरियाज पर जो हेयर्स है पहले उसको शेव करूँगी। मैं एक फेस रेजर लूँगी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, मेरे आईलिड को नीचे के तरफ खींच के पकड़ूँगी, देन इस एरियाज के जो हेयर्स है इसको शेव कर लूँगी। मैं शेव भी इनवर्ड्स ही करूँगी। ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे से एंड धीरे से करना पड़ेगा, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो अगर आपके आईब्रोज बिगड़ गए तो बहुत ही बुरा होगा। सो या मेरी देखिए, मेरी जो हेयर थी वो बहुत ही कम हो गई है। अब जो छोटे हेयर्स है उसको क्या करूँगी, रेजर की जो फ्रंट पार्ट है उससे थोड़ा 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 करके शेव कर लूँगी। देन अगेन मैं स्पूली लेकर अब आईब्रोज को इनवर्ड्स कॉम कर लूँगी क्योंकि मैं अब आईब्रोज की ऊपर जो हेयर्स है उसको शेव करूँगी। उसके लिए मैं आईब्रो को ऊपर की तरफ खींच के पकड़ूँगी, देन धीरे धीरे जो एरियाज में जो हेयर्स है उसको नीचे के तरफ ड्रैग करके शेव कर लूँगी। आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा नीचे मत लीजिए रेजर को, नहीं तो जो आपकी मेन आईब्रो है वो शेव हो जाने के चांस है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रख के कीजिए ये पार्ट। अब मैं स्पूली लेकर आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी एंड मेरी फ्रंट में, आईब्रो के फ्रंट में जो लॉन्ग हेयर्स है उसको अपवर्ड्स कॉम्ब करके एक छोटी सी सीजर की मदद से इस हेयर्स को शॉर्ट कर लूँगी। देन आईब्रोज को मैं फिर से इनवर्ड कॉम्ब करूँगी, ये जो लॉन्ग हेयर्स है इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूँगी। एंड देन एक वेट वाइप्स की मदद से मैं आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, मेरी आईब्रोज में जो हेयर्स मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा है इसको कट करना चाहिए, तो उस एरियाज या फिर उस हेयर को मैं कट कर लूँगी। अब मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी। एक नॉर्मल सा आईब्रो पाउडर लेके आईब्रोज को हल्का हल्का प्रोडक्ट लेके फिल कर लूँगी, ज़्यादा ड्रॉ नहीं करूँगी, बस नॉर्मल पाउडर लेके, आईब्रो पाउडर लेके इसको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके फिल कर लूँगी। मैं ये पार्ट इस वीडियो के पर्पस से ही कर रही हूँ। अगर आप घर पे रहते हो तो ऑब्वियसली ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके आईब्रोज को फिल कर लूँगी एक एंगुलर ब्रश की मदद से।
नाउ टेकिंग एक कंसीलर, उसको एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। आप देख सकती हैं ऐसे मैं क्या करूँगी, आईब्रोज के लोअर पे एक कंसीलर को ऐसे अप्लाई कर लूँगी। एंड अपर आईब्रोज पे भी सेम प्रोसेस से मैं कंसीलर को एक फ्लैट ब्रश की मदद से अप्लाई कर लूँगी। देन मैं एक छोटा सा फ्लैट फाउंडेशन ब्रश लेके इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज, होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।